खबर के प्रायोजक हैं बेकर्स बेक। आपके शहर में पहली बार बेकर्स बेक आपके लिए लेकर आया है एगलेस केक एंड फूड। आप किसी भी तरह का डिजाइन ऑनलाइन और 15 मिनट में केक तैयार करवाएं। केक, पेस्ट्री, पेटीज, स्नैक्स, बिस्कुट, पिज्जा, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका पसंदीदा बेकर्स बेक नियर मंडी समिति रजवाहा रोड। बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर करें कॉन्टैक्ट 8791247। मुजफ्फरनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी काम अमृत महोत्सव 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है। आज नुमाइश मेले में शक्ति सिंह अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सलोनी रस्तोगी ने भव्य कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया, साथ ही जानकारी दी की और बताया कि अपने मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार को हर नागरिक समझे। हर नागरिक की प्राथमिकता है कि वह अपने अधिकारों को स्वयं जाने। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे आमजन को कानूनी जानकारी प्रदान की जा सके तथा उनको उनके विधिक अधिकारियों की जानकारी दी जा सके। इसी अनुक्रम में आज इस नुमाइश मेले में एक पांडाल लगाया गया है और जब तक ये मेला चलेगा तब तक ये पांडाल कार्यरत रहेगा। यहाँ पे हमारे PLV रहेंगे जो आने वाले आमजन को कानून की जानकारी देते रहेंगे। किस तरह के कानून की जानकारी दी जाएगी? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं, एक हेल्पलाइन भी काम कर रही है, इस हेल्पलाइन के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसी को भी किसी निःशुल्क कानूनी जानकारी की आवश्यकता है, जिला जनपद न्यायालय प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय कार्यरत है, वहां पर आकर वो जानकारी कर सकता है। यहां पे भी उसे जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी अनुक्रम में मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा, आगामी 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उस लोक अदालत में जो विभिन्न लघु मामले हैं, छोटे फौजदारी मामले हैं, पारिवारिक मामले हैं, इन सभी का निस्तारण किया जाएगा। इस तरह के मामलों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है और क्या लोक अदालत से लोगों को फायदा होता है? लोक अदालत में लघु फौजदारी मामलों का निस्तारण किया जाएगा, इसी प्रकार जो सिविल के मामले हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का मुख्य फायदा यह है कि यहाँ जो भी मामले होते हैं वो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं। जैसे बैंक के मामले हैं, BSNL के मामले हैं, जब कोई सुलह समझौते से कोई मामला निस्तारित होता है तो उसमें ना कोई हारता है ना जीतता है। लोक अदालत की यही सबसे बड़ी विशेषता है। गरीबों को किस पर क्या फायदा रहता है लोक अदालत का? कोई भी गरीब व्यक्ति है उसके लिए विभिन्न योजनाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई कानूनी सलाह चाहिए हो, कोई कानूनी जानकारी चाहिए हो, वो प्राप्त कर सकता है। साथ ही अगर किसी को निःशुल्क अधिवक्ता चाहिए तो वो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। जी मैम, आज कैंप लगाया गया है जागरूकता अभियान कैंप, किस तरह का कैंप है, किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है? ये आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। इसमें डोर टू डोर कैंपेन और स्कूलों में, गाँवों में, दूर दराज क्षेत्रों में शिविर, उसके अलावा आज यहाँ नुमाइश ग्राउंड में ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं के अधिकार, हमारे क्या कर्तव्य हैं और इसके अलावा हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की क्या योजनाएं हैं, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 2 PLV कार्यरत हैं और जो भी यहाँ व्यक्ति आएगा उसको विधिक सहायता या कानूनी जानकारी वो लोग देंगे। तरह की जानकारी और किस तरह की सहायता, जैसे कि महिलाएं हैं तो उनको ये बताना कि कौन कौन से कानून हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं, बच्चों के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक क्षतिपूर्ति योजना चल रही है, जैसे कि कोई महिला जो रेप से पीड़ित है
उसमें उसको कॉम्पेंसेशन दिलाया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक पैनल बना हुआ है एडवोकेट्स का, अगर कोई भी व्यक्ति गरीबी की वजह से या आर्थिक कमजोरी की वजह से मुकदमे की पैरवी नहीं कर पाता है तो एक प्रार्थना पत्र देने पे उसको अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर 2 PLV को कार्यरत किया गया है ताकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आता है अनपढ़, जो कि एप्लीकेशन भी ना अपने आप से ना लिख पाए, तो PLV उनकी हेल्प कर सकते हैं। एप्लीकेशन लिख के वो हमारे ऑफिस में दे सकते हैं और तब उनकी कानूनी मदद की जाएगी।